तो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे ई.बी. हेवेल, अर्नेस्ट विनफील्ड हेवेल। अर्नेस्ट विनफील्ड हेवेल के बारे में हम जान लेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनसे क्वेश्चंस आते रहते हैं और ख़ासकर इनकी पुस्तकें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो पहला तो एक क्वेश्चन तो इनसे ये बनता है कि ई.बी. हेवेल का पूरा नाम क्या है। तो अर्नेस्ट विनफील्ड हेवेल नाम है। इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म 16 सितंबर 1861 को जन्म हुआ है। अच्छा, 16 सितंबर यानी वही अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जिस दिन था, उसी दिन इंग्लैंड में ही बर्कशायर नामक स्थान पर हमारे ई.बी. हेवेल का जन्म हुआ था। ई.बी. हेवेल बहुत ही भारतीय कला के बहुत ही प्रशंसक थे। तो इस हिसाब से देखते हैं तो 16 सितंबर 1861 को वर्कशायर मतलब इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, 1861 में और एक है जो 1861 में जन्म हुआ था, वह है रवींद्रनाथ टैगोर। 7 मई 1861 को रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। 1861 को ई.बी. हेवेल को जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस था, उसी दिन ई.बी. हेवेल का जन्म हुआ था। अब अगर याद रखे रहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर, उसी दिन ई.बी. हेवेल का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1861 को। उसी दिन जो है यहीं जोरासांको में एक और महान कवि गुरु का जन्म हुआ था, जिनका नाम था रवींद्रनाथ टैगोर। तो 1861 में उनका भी जन्म हुआ था। अच्छा, 1861 की एक घटना और याद रखिएगा। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। किसके और उसके पहले महानिदेशक कौन थे? जो है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये तीन 1861 में हो ही गए। जो है ई.बी. हेवेल का जन्म होता है, रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म होता है, और साथ ही साथ 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है और उसके पहले निदेशक होते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये हो जाएगा ई.बी. हेवेल और वहाँ के जो है कनिंघम, दोनों विदेशी थे। तो और एक हमारे रवींद्रनाथ टैगोर जो है भारतीय थे। तो ये तीन घटनाएँ हुई थी और मृत्यु इनकी 31 दिसंबर 1934। ये याद रखिएगा क्योंकि ये सब प्रश्न आते रहते हैं, दिमाग से हटने ना पाए। अगर ये गलत हुआ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा और ये बहुत ही मतलब पॉपुलर क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो ये नहीं गलत होना चाहिए। तो अच्छा, इनकी प्रसिद्धि क्या है, वास्तव में है क्या? तो एक तो ये अंग्रेजी शिक्षक हैं। अभी आप देखेंगे कि ये मद्रास कॉलेज में जाते हैं, वहाँ भी प्राचार्य होते हैं और कलकत्ता में भी ये प्राचार्य होते हैं। तो इस आधार पर ये शिक्षक हो गए। और कौन से शिक्षक है? भारतीय की अंग्रेजी, तो अंग्रेजी शिक्षक, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ अभी इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अभी आगे हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ ये कला समीक्षक भी हैं। कला समीक्षक हैं तो जाहिर सी बात है कि ये कला इतिहासकार भी हैं। तो कला समीक्षक, कला इतिहासकार। अच्छा, ये TGT 2021 में ये प्रश्न आया था कि ई.बी. हेवेल कौन थे। तो उसमें विकल्प आया था कि ये यूरोपीय पुनर्जागरण के पिता थे या ओपेरा गायक थे कि कला समीक्षक थे। तो उसमें कला समीक्षक ना देके कला इतिहासकार दिया था। तो ये कला इतिहासकार थे, कला शिक्षक नहीं थे, अंग्रेजी शिक्षक थे, लेकिन इनका ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या रहा है? कला इतिहासकार, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि इन्होंने भारतीय कला के प्रति बहुत ही बढ़िया बढ़िया व्याख्यान दिए हैं और उसका पूरा विश्लेषण किया है। तो और साथ ही साथ इनका एक यही कला इतिहासकार, कला समीक्षक का इनका एक और गुण दे सकते हैं कि यही बंगाल शैली के प्रेरणा स्रोत भी रहेंगे। प्रेरणा मतलब जो प्रेरणा दे रहे हैं कि करो ये, मतलब अभी बंगाल शैली में जब अवनींद्रनाथ टैगोर आते हैं तो बंगाल शैली के जनक तो अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं। बंगाल शैली के जनक अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं। जनक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, अगर जनक आ गया तो अवनींद्रनाथ टैगोर होंगे। अगर कहीं प्रेरणा आ गया तो तुरंत ही ई.बी. हेवेल सही आंसर होगा। या ऐसा भी बोल सकता है कि भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण के प्रेरणा स्रोत या बंगाल शैली के प्रेरणा स्रोत, तो दोनों ही अवस्थाओं में ये ई.बी. हेवेल होंगे, क्योंकि प्रेरणा लगा है। और जनक आ जाए या पिता आ जाए तो अवनींद्रनाथ टैगोर होंगे। तो इस आधार पे अर्नेस्ट विनफील्ड हेवेल बंगाल शैली के प्रेरणा स्रोत या भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण के
प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं, तो अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल रहे हैं। और तो ये बंगाल शैली के प्रेरणा स्रोत भी हो गए भारतीय। अच्छा, इनके कथन देखिए कितने इम्पॉर्टेंट कथन है। भारतीय कला स्वयं में संपन्न है, भारतीय कला स्वयं में संपन्न है, इसमें आमूल परिवर्तन संभव नहीं है। यानी हमने पहले बताया था कि ये पाश्चात्य कला के बड़े विरोधी थे और ये कहते थे कि भारतीय कला बिल्कुल हृदय से टच करती है, एकदम आत्मा को आत्मा में प्रवेश कर जाती है। इस स्थिति में ये जो कहते थे कि भारतीय कला स्वयं में संपन्न है, स्वयं में अपने आप में पूर्ण है, इसमें किसी तरह को सुधार करने की जरूरत नहीं है, तो इस तरह भारतीय कला स्वयं में संपन्न है, आमूल परिवर्तन संभव नहीं है, एग्जाम में आया है, तो इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ अगर हम ये एक चीज़ देख लें, हमने देखा कि भारत में स्थापित जो सबसे पहला कला विद्यालय था कौन था, मद्रास कला विद्यालय। कब स्थापित हुआ, 1850 को स्थापित हुआ, 1850 में मद्रास कला विद्यालय की स्थापना हुई। तो साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि इसके पहले प्राचार्य कौन थे, तो इसके पहले प्राचार्य हमारे अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल थे। कब बनाए गए थे, 1884 में ये मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य बनाए गए थे। सब प्रश्न आए हुए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अब यहाँ से मद्रास आया तो और एक क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं कि अगला आता है कि पहले भारतीय प्राचार्य कौन थे मद्रास कला विद्यालय के। तो हमको याद है कि कौन थे, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के अध्यक्ष। ऐसे हम पढ़ लें कि 5 अगस्त 1954 को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे, देवी प्रसाद राय चौधरी थे, जो बंगाल शैली के क्या थे, कलाकार थे और साथ ही मूर्तिकार थे। वो क्या थे, मद्रास कला विद्यालय के पहले भारतीय प्राचार्य थे। कब बनाए गए थे, ये भी क्वेश्चन आया है, तो 1929 में ये बनाए गए थे। तो देवी प्रसाद राय के बाद फिर कौन आए थे प्राचार, तो कौन आए थे, केसीएस पनिक्कर साहब आए थे, जो 1957 में मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य हुए थे। तो हमने ये भी जान लिया कि ईवी हैवेल इनके प्राचार्य पहले बने थे मद्रास कला विद्यालय के, 1929 में देवी प्रसाद राय राय चौधरी इसके प्राचार्य बनाए गए 1929 में, फिर उसके बाद में मद्रास कला विद्यालय के जो प्राचार्य थे केसीएस पनिक्कर, जिन्होंने चोल मंडलम नामक एक कलाकार गांव की स्थापना की थी, वो भी मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य थे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको बार बार लर्न करिएगा। और उसके बाद में ये 1884 में जब मद्रास कला विद्यालय में थे तो उन्होंने वहाँ पर जो है शिक्षा जो होती थी उसमें पूरी भारतीय जो है पद्धति का जो है बोलबाला था। इन्होंने, मैंने पहले बताया कि ये भारतीय कला जगत के बहुत बड़े प्रशंसक थे और बहुत ज़्यादा जो है उससे इंस्पायर थे भारतीय कला से, ठीक। और इसीलिए इन्होंने पूरी पाश्चात्य कला का, मतलब मद्रास में रहे तो पाश्चात्य कला जो है समर्थन नहीं किया। अभी ये देखिएगा कलकत्ता में आते हैं तो कलकत्ता में जो वहाँ पर जो कलकत्ता की कला विद्यालय की दीवारों पर जो यूरोपियन यथार्थवाद के जो चित्र लगे होते हैं उनको ये हटवा देते हैं और उसकी जगह पे ये पूरी तरह से मुगल राजस्थानी जो चित्र शैली होती है उसके चित्र लगवाते थे। ये भी प्रश्न आया हुआ है कि कौन ऐसा कलकत्ता कला विद्यालय का जो है प्राचार्य था जिन्होंने ये जो है यूरोपियन शैली में बने चित्रों को जो है कला विद्यालय से हटवाकर भारतीय जो है शैली के चित्रों को लगवाया, तो वो थे हमारे अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल, याद रखिएगा। तो अब कलकत्ता कला विद्यालय आ गया और ये कब बने, 1884 में मद्रास में बनाए गए थे और वहाँ से जब ट्रांसफ़र हो के आए तो 1896 में अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल कहाँ बने, कलकत्ता कला विद्यालय के। अच्छा, प्रश्न आता है कि कलकत्ता कला विद्यालय के प्रथम प्राचार्य कौन थे, अब यहाँ पढ़ लेते हैं। तो कलकत्ता कला विद्यालय के प्रथम प्राचार्य कौन थे, एच लूसे, हेनरी हूवर लूसे थे। ये हम पिछली भी वीडियो में पढ़ चुके हैं तो यहाँ भी पढ़ लेंगे। हमने कहा था कि बार बार चीज़ों को लर्न करिए, बार बार अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे और देखते आए होंगे तो हम साथ ही साथ कला विद्यालय भी लेकर चल रहे हैं तो इसी बहाने ये भी याद हो जाएगा। इकट्ठा पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाती है कि वो चीज़ें
भ्रमित करने लगती हैं। तो हम यहाँ कला विद्यालय भी पढ़ेंगे और उसके साथ साथ उनसे जुड़े हुए और भी चीज़ों को देख लेंगे। तो हेनरी हुवर लूसे ये कलकत्ता कला विद्यालय के प्रथम प्राचार्य होते हैं और साथ ही साथ फिर कलकत्ता कला विद्यालय के प्राचार्य जो है ये आते हैं जो ई वी हैवेल होते हैं। ई वी हैवेल के बाद कौन होते हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर होते हैं। अच्छा, अवनींद्रनाथ टैगोर प्रश्न निकलता है और जो भ्रमित करेगा, कन्फ्यूजन करेगा। एक तो ऐसा जानिए कि ये अस्थाई प्राचार्य थे, कलकत्ता कला विद्यालय के अवनींद्रनाथ टैगोर अस्थाई प्राचार्य थे। अगर अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि कलकत्ता कला विद्यालय का पूर्णकालिक प्राचार्य कौन था, पूर्णकालिक प्राचार्य कौन था, तो वो मुकुलचंद्र डे होंगे। मुकुलचंद्र डे, जो हम लोग पिछली पढ़ चुके थे कि मुकुलचंद्र डे और मनीषी डे भाई थे और उनकी बहन जो है रानी चंदा जो है अवनींद्रनाथ टैगोर की शिष्या थी। तो ये दिमाग में बनाए रखिएगा। तो अवनींद्रनाथ टैगोर अटा कला विद्यालय के प्राचार्य बनाए जाते हैं ई वी हैवेल के बाद। तो उसके बाद में फिर कौन आते हैं? तो मुकुलचंद्र डे 1928 में कलकत्ता कला विद्यालय के प्राचार्य होते थे और इन्हीं के समय कलकत्ता कला विद्यालय में लड़कियों का एडमिशन लिया जाने लगा है। मतलब लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कला का द्वार किसने खोला, यानी कला विद्यालय में आने की अनुमति किसके काल में हुई, तो वो थे मुकुलचंद्र डे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और साथ ही साथ हमने देखा था कि मुकुलचंद्र डे की पहली पुस्तक कौन थी? माई फर्स्ट एचिंग, यानी एचिंग का जन्म भारत में जो है लाने का श्रेय मुकुलचंद्र डे को ही था। कलकत्ता कला विद्यालय का प्राचार्य था तो चिंतामणिकर जो एक मूर्तिकार थे, वो भी कलकत्ता कला विद्यालय के प्राचार्य थे। तो इस तरह ई वी हैवेल हो जाएंगे, पहले हेनरी हुवर लूसे हो जाएंगे, फिर ई वी हैवेल हो जाएंगे, फिर अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, फिर मुकुलचंद्र डे हो जाएंगे, फिर चिंतामणकर हो जाएंगे। तो साथ ही कलकत्ता कला विद्यालय के हम प्राचार्य को भी जान लिए, ई वी हैवेल के साथ जोड़कर भी देख लिए। ध्यान रखिएगा, बार बार ये चीज़ दिमाग में खूब लर्न कर लीजिए, खूब क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में अब आते हैं इनके कथन पर ध्यान दे लेते हैं। तो इन्होंने कहा था कि यूरोपीय कला तो सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान कराती है, यूरोपीय कला तो सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान कराती है, लेकिन भारतीय कला सर्वव्यापी, अपार और अमर है। देखिए भारतीय कला का कितनी प्रशंसा कर रहे हैं और यूरोपीय कला को क्या कर रहे हैं? तुच्छ कर रहे हैं। अभी आप जाएंगे, हमारे अंग्रेज में आए हुए थे, हमारे क्या इसको कहें कि इंग्लैंड के एक बड़े ही क्या थे, शिक्षा में आए थे, उनका क्या नाम था, लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले आते हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो है यूरोपियन जो अलमारी, यूरोपियन पुस्तकालय में जो अलमारी रखी है, उस अलमारी का जो एक पुस्तक भी, उस अलमारी में रखी जो पुस्तक है वो जो है भारतीय और अरबी साहित्य भी उसके आगे निम्न है। यानी भारतीय साहित्य को उन्होंने निम्न कोट कहा, भारतीयों को वैसे भी बड़ी ही निम्न निगाह से देखते थे, लेकिन उन्हीं में से इंग्लैंड का एक जो है कला इतिहासकार, कला समीक्षक ई वी हैवेल क्या कह रहे हैं कि यूरोपीय कला तो सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान कराती है, लेकिन भारतीय कला सर्वव्यापी, अमर व अपार है। कितना बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय कला में कलाकारों को, भारतीय कला में कलाकारों को दार्शनिक एवं कवि का स्थान दिया गया है, दार्शनिक एवं कवि का स्थान दिया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ई वी हैवेल का एक प्रसिद्ध कथन था और ये एग्जाम में आया है, ताजमहल भारतीय नारित्व की साकार प्रतिमा है। ताजमहल भारतीय नारित्व की साकार प्रतिमा है। अब इनकी कुछ पुस्तकों को ध्यान दे लेते हैं। इनकी जो पुस्तक थी दी बंगाल पट थी, ये सब आए हुए एग्जाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इन्हीं से पूछा जाएगा। तो इनकी पुस्तक कौन थी? दी बंगाल पट। उसके बाद क्या थी? द इंडियन आर्किटेक्चर इनकी एक पुस्तक थी, और आइडियल ऑफ द इंडियन आर्ट। अब यहाँ देखिए, आइडियल ऑफ द इंडियन आर्ट, इसका हिंदी में भी पूछा था, आइडियल ऑफ द इंडियन आर्ट। इंडियन आर्ट मीन्स भारतीय कला, का ऑफ मीन्स का, आइडियल माने आदर्श, तो भारतीय कला के आदर्श ऐसे भी पूछता है, और नहीं तो अंग्रेजी में कहेगा आइडियल ऑफ द इंडियन आर्ट।
फिर उसके बाद इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, स्कल्पचर मतलब मूर्तिकला और पेंटिंग मतलब चित्रकला। तो हिंदी में इसका कैसे पूछा जाता है, भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग। अच्छा, ये चीज़ें हमने पिछली बार भी यहाँ पर ये आ गया तो जिक्र कर लेते हैं। देखिए, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग जो है ईवी हैवेल की भी है और ये कार्ल खंडेलवाला की भी पुस्तक है। कार्ल खंडेलवाला की ये पुस्तक इसलिए और भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है और जानना और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है पुस्तक। और इस पुस्तक में एक और जो है महत्व है कि इसी पुस्तक में 1938 में प्रश्न आता है कि बादामी के चित्रों की जो रंगीन प्रतिलिपि है किस पुस्तक में प्रकाशन किया गया था, तो वो पुस्तक थी कार्ल खंडेलवाला की इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग। कब प्रकाशन हुआ था उसका, बादामी गुफा के चित्रों का रंगीन प्रतिलिपि किस पुस्तक में, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में। कब, 1938 में, जिस वक्त गंगनेन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई थी, जिस वक्त जो है संथाल परिवार राम किंकर बैज का बना हुआ था। तो ये दिमाग में रखे रहिएगा कि इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग ईवी हैवेल की है और कार्ल खंडेलवाला की है और उसमें बादामी गुफा की प्रतिलिपि प्रकाशन हुआ था। और बादामी गुफा की प्रतिलिपि कौन बनाया था, जगन्नाथ मुरलीधर अयवासी किसके निर्देशन में बनवाया था, अध्यक्षता किसने की थी, तो कार्ल खंडेलवाला और के हैब्बर की अध्यक्षता में बादामी गुफा की प्रतिलिपि बनी थी। और बादामी गुफा की प्रतिलिपि बनाने का निमंत्रण किसने दिया था, तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने दिया था। तो ये दिमाग में बना रहे। अच्छा, और इनकी एक और है हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट, ये भी बड़ी फेमस इनकी कृत है, रचना है हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट। फिर इनकी एक है भारतीय कला में हिमालय, भारतीय कला में हिमालय। अच्छा, एक और है कि इसका अंग्रेजी में पूछा गया था, तो इसका अगर हम देखें तो माउंटेन इन इंडियन आर्ट, माउंटेन इन इंडियन आर्ट। और इनकी और ऐतिहासिक पुस्तक जो रही है एक कि पवित्र नगर बनारस, पवित्र नगर बनारस जहाँ पे जो है बीएचयू है जो है वहाँ के बनारस के बारे में लेकर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, तो पवित्र नगर बनारस। और भारत में आर्यों का आगमन, भारत में आर्यों का आगमन, ये बड़ी फेमस इनकी पुस्तक है और हर बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हमने देखा पिछली बार टीजीटी 2021 में ये तो पूछा गया कि ईवी हैवेल कौन थे, अब इस बार अगर जो ज़्यादा संभावना बनती है तो पुस्तकों से बनती है। इनकी जन्मतिथि को भी हम याद रखे रहेंगे। अच्छा, अब यहाँ जब पढ़ चुके हैं पुस्तकों के बारे में जिक्र हो रहा है तो हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो पिछली वीडियो में एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, हमारा उद्देश्य है कि बार बार रिवीजन हो, ये मत देखिए कि वीडियो में वही चीज़ बार बार रिवीजन हो रही है, रिवीजन ही बहुत मस्ट है। हम अब देखिए बंगाल शैली की क्या विशेषता थी, बंगाल शैली में समन्वयात्मक लेकर चले थे, खुद अवनींद्रनाथ टैगोर की समन्वयात्मक शैली थी, समन्वयवादी थे। एक तो अजंता मुगल राजस्थानी जो प्राचीन परंपरा थी उसको भी बंगाल शैली में लेकर चल रहे थे, साथ ही साथ जो यूरोपीय चीनी जापानी ईरानी जो नवीनता का समावेश था उसको भी लेकर चल रहे थे। तो प्राचीनता और नवीनता का समावेश लेकर चलना है, यानी हम आगे नई नई चीज़ों को पढ़ते जाएं और पीछे जो भी हमारे लिए जो पीछे पड़ चुके वो प्राचीन ही हो गई, तो जो पीछे पढ़ते जाएं और जो आगे भी पढ़ते जाएं रिलेट करते चलें, समन्वय लेकर चलेंगे, बस सफलता मिल जाएगी। अब जैसे नंदलाल टैगोर जो है, नंदलाल बोस का हम देख लेते हैं, तो नंदलाल बोस की एक तो उन्हें भारत का ड्यूरर, शिवसिद्ध, मास्टर मोसाय, भारतीय संविधान का चितेरा, इन सब नामों से जाना जाता है। और उनकी एक उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें क्या थी, शिल्पकला थी, शिल्प कथा थी, रूपावली थी और क्या थी, भारतीय कला का सिंहावलोकन। अब यही अगर हम चले आए हमारे जो बंगाल शैली के जनक अवनींद्रनाथ टैगोर, जिन्हें जिनकी कौन कौन सी पुस्तक थी, तो उनके देखेंगे अमन ठाकुर पुस्तक थी, राज कहानी थी, अल्पना थी, शिल्पायन थी, परीरदेश था, शकुंतला थी और एक पुस्तक थी द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट एंड एनाटॉमी। और एक पुस्तक जब 1921 से 29 तक जो कलकत्ता विश्वविद्यालय में जिन्होंने जो व्याख्यान दिए थे वो किस रूप में संग्रहित किया गया था, तो वो किस रूप में संग्रहित हुआ था, बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली। ये असित कुमार हल्दर की पुस्तक बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनकी अगर पुस्तक जो कवि कलाकार के रूप में जाने जाते हैं उनकी अगर पुस्तक को हम देखें तो उनकी कौन सी पुस्तक थी, एक तो सबसे पहली ये पूछा जाता है कि असित कुमार हल्दर की पहली पुस्तक कौन थी, तो उनकी पहली पुस्तक थी ललित कला की धारा। उसके बाद क्या है, फिर ललित कला की धारा, रूपदर्शिका, गौतम गाथा,
और उसके बाद क्या है भारतीय चित्रकला। अब यहाँ पर रुकते हैं, भारतीय चित्रकला एक और की वाचस्पति गैरोला की भी भारतीय चित्रकला है। जैसे यहाँ ईवी हेवल की इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग है और काल खंडेलवाला की भी इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग है, वैसे असित कुमार हल्दर की भारतीय चित्रकला है और वाचस्पति गैरोला की भी भारतीय चित्रकला है। तो भारतीय चित्रकला इनकी होगी। और साथ ही साथ असित कुमार हल्दर की अगर हम देखें ऐतिहासिक, ये पूछा जाता है असित कुमार हल्दर की कौन सी ऐतिहासिक पुस्तक है, तो इंडियन कल्चर एट अ ग्लांस ये ऐतिहासिक थी जिसमें 30 चित्र थे और वो भी कहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर महात्मा गांधी तक। और इनकी चित्रों का प्रकाशन, जो 30 चित्रों का प्रकाशन था किस सरकार ने किया था, तो यूपी सरकार ने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देते चलिएगा। तो इस तरह से ये इंडियन कल्चर एट अ ग्लांस असित कुमार हल्दर की है और ये ऐतिहासिक पुस्तक है। इसके अलावा और कोई बहुत ही फेमस इनकी रही है आवर हेरिटेज इन इंडियन आर्ट, जो भारतीय कला में हमारी विरासत है वो भी असित कुमार हल्दर की है। और क्या है आर्ट एंड ट्रेडिशन, ये असित कुमार हल्दर की पुस्तक है। आपने देखा शैलेंद्रनाथ डे की कौन सी पुस्तक रही है, तो भारत जो है शैलेंद्रनाथ डे की पुस्तक जो रही है वो भारतीय चित्रकला पद्धत, जो हिंदी में थी भारतीय चित्रकला पद्धत, ये उनकी रही है। मुकुल चंद्र डे की कौन सी पुस्तक रही है, तो माई फर्स्ट एचिंग। तो इस तरह से आप ध्यान देखिए, अगर इसी क्रम में अगर हम ध्यान दे दें तो प्राग ऐतिहासिक काल की जो दो बड़ी फेमस पुस्तक रही है आपकी प्री हिस्टोरिक इंडिया स्टुअर्ट पिगार्ट की रही है, और प्री हिस्टोरिक पेंटिंग ये बाड्रिक की रही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पुस्तकों से आप देने, ये दो या तीन क्वेश्चंस इस बार भी दिए थे और इस बार भी आपका देगा, तो पुस्तक से छूटने ना पाए क्वेश्चन। तो अगली कड़ी में हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक और अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कोई विशेष उद्देश्य नहीं है कि हम करें, आप करते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन समझ आए अगर कहीं मिस्टेक हो तो आप मुझे बताइए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा और मोटिवेट मिले और भी अच्छी तरीके से नए नए चीज़ों को लेकर आएँ। तो हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।